मी सांगावा असं नाही, कारण प्रत्येकांना त्यांनी केलेला त्यांच्या कार्याचा आढावा आतापर्यंत आपल्या सगळ्यांनी घेतलेला असेल. आपल्या सगळ्यांना ते मान्यवर कोण आहे ते इतकं चांगलं माहिती आहे, आणि म्हणूनच आपण इतक्या संख्येने इथे उपस्थित झालेलो आहोत. भारतातील ग्रीन हाऊसचे पायनियर म्हणून आपण ज्यांच्याकडे बघतो, ऑर्किडचे पायनियर श्री डॉक्टर विठ्ठल कामत. महाराष्ट्रामध्ये कामत रेस्टॉरंटची एक जी चेन आहे, मला असं वाटतं की पर्यटन करण्यासाठी जेवढे कोणी पर्यटक भारतामध्ये फिरत असतात तिथे गेल्यानंतर आपल्याला काय बघायचं आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला कुठे जेवायचंय असा जेव्हा विचार करतात तेव्हा कामत रेस्टॉरंट कुठे आहे हे नक्की विचारतात. कारण आपली जी एक ऑथेंटिक चव असते तर ती या ह्याच्यामध्ये आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. सर्वत्र अत्यंत उत्कृष्ट अशी रचना, उत्कृष्ट जेवण आणि उत्तम सर्व्हिस, यामुळे कामत आणि ऑर्किड हे सगळ्या लोकांच्या सुपरिचित असंच आहे. कामतची पर्यावरणवादी असल्याने ग्रीन हॉटेल चेन एशियात त्यांनी पहिल्यांदा सुरू केली, आणि सोबतच पुण्याजवळ आपण खूप जण जाऊन आलेले असाल कदाचित, जाधवगड फोर्ट म्हणून म्युझियम हॉटेल त्यांनी तिथे सुरू केलेलं आहे, त्याच्याविषयी ते आपल्याला सांगतीलच. संपूर्ण देशभर विट्स आणि लोटस रिसॉर्ट्स आणि कामत रेस्टॉरंटची चेन आपल्याला त्यांच्या माध्यमातून बघायला मिळते. इडली ऑर्किड अँड विल पॉवर आणि उद्योजक होणारच हे त्यांचे उद्योजक होणारच मी ही दोन पुस्तकंही त्यांची प्रसिद्ध आहेत. म्हणजेच आपलं आतापर्यंत लक्षात आलं असेल ते उद्योजक आहेत, ते लेखक आहेत, त्याचबरोबर ते ब्लॅक बेल्ट होल्डर आहेत कराटेचे, आणि म्हणजे एक वर्सटाईल पर्सनॅलिटी आज आपल्या समोर बसलेली आहे. त्यांना आमंत्रित करण्यापूर्वी मी एक सांगते की यानंतरचा एक तास आपण इकडे इकडे पण बघणार नाही, कारण ते उत्कृष्ट वक्तेही आहेत. तेव्हा जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया. नमस्कार. आदरणीय केतकर साहेब, आजचा एक नंबरचा घोडा म्हणजे अभिषेक लोढा. कारण के या माणसाने फारच 2003 पासून आता 10 वर्षात फारच सिस्टमॅटिक प्रगती केली. पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जे दिलीपबा भास्करच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त मी ते आलो आहे, तसे याने 10 वर्षात बाकी लोक जे नाही करतात त्यातल्या त्रुटी पाहिल्या. आता सरांशी मी बोलताना अनालिसिस केलं आणि क्रेडिबिलिटी निर्माण केली, आणि ती क्रेडिबिलिटी जी आहे ती पण दिव्य भास्करने 2 वर्षात केली. कदाचित माफी मागतो पण काही काही लोकांना दिव्य भास्कर वाचल्या न वाचल्यास टॉयलेटला जात नसतील कदाचित. कारण लोकांचं एक समीकरण असतं, माझं पण तेच आहे की मला सकाळी जर पेपर लागतो तर लागतोच, मग मी आदल्या दिवशी तर येऊन लंडनला जातो पण वाचतो. कारण सवयी ह्या फार चिटकून असतात व्यक्तीला, आणि आपण ही 2 वर्षात चांगली सवय लावली. वाचन हे फार चांगली सवय आहे, आणि त्यातली त्यात मराठी वाचन म्हणजे खरोखर मातृभाषेचं फार. मातृभाषा हे डोळे असतात आणि इतर भाषा चष्मा असतो, हे फार लक्षात. त्यामुळे माझे मित्र खांडेकर साहेब आहेत माझ्यासाठी स्पेशली ऑल द वे, रात्री 12 वाजता आता चालू गाडी करून डॉक्टर साहेब आपण आला, हॅट्स ऑफ टू यू इथे. पण दॅट शोज द कमिटमेंट. आजचा विषय खरा एंटरप्रेनरशिप. एक एंटरप्रेनर इथे आहेतच, दुसरा मी एक एंटरप्रेनर आहे. मी पुढचे 50 मिनिटं बोलीन आणि 10 मिनिटं क्वेश्चन अँड आन्सर साठी ठेवतोय. पण 50 मिनिटात मी तुम्हाला, मी जवळजवळ 7 वेळा जग बघून आलोय, 7 जगाचं घेऊन जाईन. काही प्रश्न राहतील ते तुम्ही 10 मिनिटात विचारा मला. कारण मी एका सर्वसाधारण कुटुंबात जन्माला आलो. आमचं घर म्हणजे हा वेटर उभा आहे तेवढ्या आहे, त्यामध्ये घर आणि एक गॅलरी, 6 भावंड. आणि आज जगभर हॉटेलचा व्यवसाय करू शकलो याचं खरं कारण की एक तर लहानपणापासून झालेले संस्कार, दुसरं जी माझ्या आई वडिलांत होती ती जिद्द, आणि तिसरं जे अतिशय एंटरप्रेनरसाठी महत्वाचं आहे, कुठलं काम केलं
किती पैसे मिळाले त्यापेक्षा जास्त गिरायकाचं समाधान किती झालं. गिरायकाचं जर समाधान होत असेल तर लक्षात घ्या, तुम्ही ब्रँडची पहिली स्टेप घेतलेली आहे. 100 वेळा गिरायकाचं समाधान झालं तर तुमचा ब्रँड इन्क्युबेशन मध्ये तयार होत आहे, आणि तो इन्क्युबेटर कोण आहे, तो तुमचा गिरायक आहे. आज काही यंग माणसं आहेत, मंडळी आली आहेत, त्यांच्यासाठी मी सांगतो की एंटरप्रेन्योर होण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची वयाची अट नसते. वयाच्या 84 वर्षी पण आपण एंटरप्रेन्योर होऊ शकता. मग काय जरूर असते, एक गुरुमंत्र लिहून घ्या, फाइंड द गॅप, गॅप मॅप अँड टॅप, फाइंड द गॅप. पूर्वी लोक प्रत्येक जण बूट घालायचा आणि त्याला लेस असायची, मग पोटे काका आले, FSI वाढला लोकांचा पोटावरती, त्यामुळे ते वाढू शकले नाही, तर लगेच एका माणसाने इलास्टिक वाले बूट आणले, त्याच्यावरती आणि एकाने ताण केली, वेलक्रो लावला. व्हॉट अ एंटरप्रेन्योर डस, ही फाइंड्स द गॅप. समबडी हॅज ऑलरेडी डन इट, त्याच्यामध्ये कशी ती गॅप भरणं. सो फर्स्ट गॅप, फाइंड द गॅप. ग्रीन हॉटेल्स 21 वर्षापूर्वी जेव्हा मी अनाऊन्स केलं की भारतात जगातलं पहिलं 0 गार्बेज हॉटेल करतोय, लोक मला हसली. वेन पीपल रिडिक्युल यू, दॅट इज युअर फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस. अँड मी 100% मी मराठी घाटी प्युअर. मला काही लोकांनी सांगितलं, तुम तो घाटी आहे, तुम क्या 5-स्टार हॉटेल चलाएगा, तर मी त्या व्यक्तीला सांगितलं, आपका 5-स्टार हॉटेल है, मुझे दो, मैं और चला अच्छा चला के बताता हूं. कारण आत्मीयता ही फार महत्वाची असते. लक्षात घ्या, प्रत्येक हॉटेलमध्ये टेलिव्हिजन तोच, बेड तोच, कार्पेट कलर वेगळा पण तोच, आणि सगळ्यात महत्वाचा युनिफॉर्म पण तोच. इट इज पीपल हु मेक डिफरन्स. आणि धंद्यासाठी पण, एंटरप्रेन्योरसाठी पण, इट इज पीपल हु मेक्स डिफरन्स. एंटरप्रेन्योर कसं व्हायचं, समजा तुम्ही गॅप मॅप टॅप केला, तर मग जे नेहमी असे उभे राहतात त्यांची आठवण करायची. त्यांनी म्हटलं, टेक अप अन आयडिया, मेक दॅट आयडिया इज अ लाईफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लेट एव्हरी पार्ट ऑफ युअर बॉडी, बोन्स अँड नर्व्स बी फिल्ड अप विथ दॅट आयडिया अलोन. This is the way spiritual giants are born. This is the way Vitthal Kama produces hotel. This is Swami Vivekananda ne sangitli gosht hai. Ja manasane eka shabdamade, he was the greatest entrepreneur. Given only 2 minutes to speak, and his first statement was so good. My dear brothers and sisters, finish. Next 2 hours were his. Swamiji was what? मौका देख के चौका मारना ही एंटरप्रेन्योर. हाउ टू डू इट, फर्स्ट दैट आइडिया हैज टू बी इंजेक्टेड योरसेल्फ. आई वॉज वेरी प्राउड टूडे, आई एम प्राउड एंड आई विल बी ग्लैड टू मीट द पर्सन. एयरपोर्ट वरती मला साहेबांनी एक इकडचे केळकर नावाच्या गृहस्थाची ओळख करून दिली, आणि इंट्रोडक्शन अशी केली की केळकर यांची मशीन चायनाला जातात. मी त्याला सलाम केला, मी जाऊन फॅक्टरी बघून येणार आहे. कारण एक तो औरंगाबाद में ऐसा बच्चा है जो चायना को भी तो झुकाता है, और जब एक झुका सकता है, आप लोग औरंगाबाद, यू आर ऑलरेडी इन हिस्ट्री, व्हाई डोंट यू रिक्रिएट योर हिस्ट्री. यू कॅन. औरंगाबाद मध्ये एंटरप्रेन्योरशिप, कोल्हापूरला एंटरप्रेन्योरशिप भयंकर, उल्हासनगरला री एंटरप्रेन्योरशिप आहे, पण इथे एंटरप्रेन्योरशिप आहे. एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे काय, काही लहान मुले इथे बसली आहेत यंग आले, कुठल्याही व्यक्तीचा वेळ, पैसा आणि श्रम जे वाचवले जातात इज अन एंटरप्रेन्योर.
वाण्याच्या दुकानात बसून पुढे वाणी चालवलं इज नॉट एन एंटरप्रेनर. बिल्डरने परत बिल्डरशिप केली तर एंटरप्रेनरशिप नाही. ही इज अ कन्स्ट्रक्टर, कन्स्ट्रक्टर ऑर अ बिल्डर. पण त्याच बिल्डिंग मध्ये पाणी वाचवलं, FSI फ्लोटिंग घेतला, काय जे करतात ते घेतलं किंवा डोकं वापरून आणि काही केलं, इट इज एंटरप्रेनरशिप. आणि ही एंटरप्रेनरशिप करण्यासाठी काहीच लागत नाही. सगळ्यात महत्वाचं ती गॅप कुठे बघावं लागतं. जर मला कामत हॉटेलमधनं बाहेर काढलं समजा, तर मी पुण्याला जाईन, पुण्यात आणि 4 महिन्यापासून ते 10 वर्षापर्यंतची 40 सलून खोलून आणि जोरात चालत, कारण सगळे रिटायर्ड आजोबा आजी पुण्याला राहतात, नातू आला का चल केस कापतो, बाजूला बसतो, डायरेक्शन देतो, हे करतो, अहो सगळं त्याच्याच घ्या, मालचंदर रामंदर कळ का, रामचंदर मालंदर का, डायरेक्शन पण त्याच, सगळं काय त्याच, हे का. प्रत्येक आई वडील आपल्या मुलाला मार मार मारून एकदम व्यवस्थित करतो, पण ही सरेंडर्स टू हिज ग्रँडचिल्ड्रन. That is a gap. And that gap is what he wants his grandchild to be given everything. मग सुरुवात का सकाळी वॉकिंगला जातो, मग त्याचे केस कापणं असतं, स्वतःचे केस कापायला तो 20 रुपये देईल, पण मुलाचे केस कापायला तो 200 पण द्यायला हरकत नाही नातवाचे. Now that is the gap. When you provide the best, you take direction from him. Now what is required? You have to always cater to the needs of the people. An entrepreneur never create a need. He caters to the need of the people. आपण फेल कुठे होतो, आपण आपली नीड काढतो. That's if you take out your need, then it will take 100 years for you to convince. There was a gap in Aurangabad. They did a great survey. What survey they did? 4,000 people survey, what kind of news you would like to see. Secondly, they walked away from the regular newspaper. Third, they also were riding on their success in Indore. Ani ya ja goshti ahe, I have started a Vithal Vada. What is Vithal Vada? Batata Vada cha baap Vithal Vada. Alag chutney, alag sauce, kaat ke alag diya, aur we see that it is shared by people. Now, you share with your girlfriend or wife, it is going to add taste, Baba. Automatically. Please understand what is it. The missing thing was a gentleman walks in and that's a ARR pan vadto. See that two things when you see, when you do business, you have to satisfy the guest also and you have to satisfy your pockets also. Because if you are working for, you are working for your shareholders, you are working for your company and you are working for your bank also. So entrepreneur first 3 months, 6 months should not look at profit, but after that he has to bring that equation. Iske baad aap mujhe kahenge bhai ye to ho gaya. What is important? The most important is, now I am coming back, sorry Abhishek, I am coming back to builder community. The most important, like rickshawalas of Mumbai or taxi walas of Delhi, like some of the builders, लोग बोलते हैं अरे बिल्डर मेरे को बराबर नहीं किया या मेरा व्यवहार उससे अच्छा नहीं हुआ. क्रेडिबिलिटी, द क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्रेडिबिलिटी कम्स बाय डिलीवरिंग व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड. दैट्स व्हाई प्रॉमिस लेस. कम बात करो, कम दो, लेकिन उतना मिनिमम दो और उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा देंगे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती, बिकम्स प्लस. बट व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रॉम एंटरप्रेन्योर इज, नहीं साहब आपका बाल 4 दिन में काला हो जाएगा. अरे 4 दिन में काला किसका होता ही नहीं है. सो यू टेल देम इफ यू यूज 4 बॉटल्स इट विल. सो प्रॉपर गिविंग अ क्रेडिबिलिटी एंड वंस यू अर्न क्रेडिबिलिटी, इट इज योर गेस्ट हु विल एड टू दैट क्रेडिबिलिटी एंड देन इट इज अनदर स्टेप टू मेक इट कन्वर्ट इन टू अ ब्रांड. लोग आज कहते हैं ब्रांड, ब्रांड इजीली नहीं बनता, लेकिन ब्रांड इजीली बनाना है तो यू हैव टू इन्वॉल्व योर गेस्ट, योर कस्टमर इन टू इट, देन ही टेक्स यू एंड ही क्रिएट्स अ सुदर्शन चक्र अराउंड यू. व्हेन आई रीड सपोज अ न्यूज़पेपर, आई से
अरे यार ये बढ़िया है न्यूज देता हूँ, इतना जब मैं मेरे फ्रेंड को कहता हूँ, बिकॉज वेन यू ब्लो युअर बिगल स्वतःच तुम्ही बिगल वाजवलं तर फक्त 5 लोक ऐकतील, बट इफ युअर कस्टमर ब्लो युअर बिगल 50 पीपल विल लिसन. युअर ओन क्रेडिबिलिटी यू से दॅट कम टू मी आय एम द बेस्ट, नोबडी विल लिसन. बट इफ युअर फ्रेंड टेल्स यार, देखो पिक्चर का एक एग्जाम्पल लो, यदि आप कहते कल मैं पिक्चर को बहुत बढ़िया है, आप वाइफ को फोन करते काय करूया उद्या जाऊया काय, संतोष म्हणतो पिक्चर चांगला आहे, हुई संतोष, बिकॉज क्रेडिबिलिटी. एंड दिस क्रेडिबिलिटी वेन यू अर्न, ऑटोमेटिकली यू एंटर इन टू सेकेंड स्टेप. बट हाउ टू बी एन एंटरप्रेनर एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेनर, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नेम. कभी भी जो आप करते हैं, नाउ वी स्टार्टेड दी फोर्ट जादवगढ़, सो व्हाट वी डिड, फोर्ट जादवगढ़, व्हाई, कामत नाम लिखता था, कोई आता था नहीं गढ़ में, वो इडली वड़ा पूछने को आता था, तो द ओनर्स नेम वॉज जादव, सो इमीडिएटली इट इज कन्वर्टेड एज फोर्ट जादवगढ़. जादव, मोहिते, और दीज आर द ओनली नेम फॉर मराठा नेम्स हैव आर रिक्वायर्ड, एंड द ओनर वॉज दैट. बट always the punchline is very important. The punchline below that, Fort Jadavgarh, Lad Jhagad Aage Bad Fort Jadavgarh. And that rhyme worked it so well, jaisa, when I came into 5-star hotel, people said you cannot. So I said, the orchid, Asia's first 5-star environmental friendly hotel, Asia's first 5-star hotel, environmental friendly and eco-friendly. When you say friendly and eco-friendly, people ask you, what do you mean by eco-friendly? Because once you are an entrepreneur, if you start something new, you are going to have a problem which I had when I started. I was at the IDBI bank, 20 crore loan sanctioned, and I was told, sir, 16 people, jab aap paisa mangne jaate ho, saab ko to pata hoga. What happens is the bankers sit in front of you. They see your confidence. They see your experience. And most important, they want your commitment. If these three things are there, then they may give you money. I, that time was an ordinary 20-year bank, an ordinary restauranter, trying to become an extraordinary hotelier. Logon ke samne baitha 16 log hai, project report diya. हमेशा कभी भी देयर इज अ इंग्लिश में कहते हैं लिप एंड सिप वाली बात है, और हमेशा शंकर भगवान के पास एक नंदी होता ही है, तो वो बैंक में एक नंदी था, उन्होंने कहा सर दिस रिपोर्ट इज रॉन्ग सर. चेयरमैन तो उड़ गए सामने, चेयरमैन के सामने बकरा मैं ऐसे बैठा था, इधर आठ लोग बैठे हैं, सर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेज 3,500 रुपी for an eco-friendly hotel, which Taj and Oberoi are charging today. How can Kamath write 3,500 rupees? And how can he get for an eco-friendly hotel 3,500 rupees? Chairman looked at me. I said, yes sir, this project is wrong. Please give me that. I change it to 4,500. He looked at me. He said, merely changing a figure does not prove it. I said, sir, my name is Vithal Venkatesh Kamat, I weigh 82 kilo, and my background is idli vada dosa, that's why you thought that I'm making eco-friendly hotel is economical hotel. Yes, what is this eco-friendly? I said, you heard of Ritz-Carlton? 20 years back, nobody in India heard Ritz-Carlton. I said, sir, do you heard Ritz-Carlton? He said, what is it? I said, I'll tell you, sir. Then the chairman looked at him. Abhi uska wicket gaya. Then, I said, have you heard of Four Seasons, sir? I'm making better hotel than that. This is the first zero garbage hotel of the world. And I promise you that this is not economical hotel. This is going to be much better than those hotels. So chairman looked at him. What you have? Ah, sir, now he says it is eco-friendly hotel. Yeah, I think, yes, that trend is coming. If it is not coming, it's finished. When somebody confuses you, you confuse him more.
That is also a quality required for entrepreneur. Please understand. सिंह साहब एक बात बोलू मैं, सिंह साहब आपके परमिशन हो तो, आई वॉज वर्किंग इन लंडन विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड यू विल बी वेरी प्राउड. लंडन में काम कर रहा था, पैसा कमाना था, एंटरप्रेन्योरशिप, दो रेस्टोरेंट कर दिए, रेस्टोरेंट दूसरे के थे. मेरे गुजराती दोस्त मतलब बन गए दोस्त. 80 पाउंड अ वीक आई वॉज गेटिंग सैलरी. And the best offer I got was to become a jamai. दो वीक में इतना बढ़िया काम किया कि मुझे ऑफर आ गई कि तुम हमारा जमाई बन जाओ, इधर लड्डू भी खाओ और जमाई बन जाओ. But I was not ready because I wanted to see the world. मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था. तो मैं इनके पास काम मैं ना कर दिया. That lady was very annoyed with me. एक दिन एक सदाई साहब अंदर आ गए, आए तो बोले यार मैं आगे चला गया, लड्डू चाहिए 2000 लड्डू. मैंने कहा ठीक है. मैं इस लेडी के पास गया, दो दिन पहले दामाद नहीं बोला था इसके लिए उसको गुस्सा था. गुजराती में बोली, तुमने बनाओ है तो बनाओ, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं. अभी इतना बोल दिया, एंटरप्रेनर को चांस मिला, मौका देखो चौका मारना. इमीडिएटली आई सेड यस आई विल. और मैं गया चंद्रवदन भाई के हस्बैंड के पास कि आई गिव यू 5 पेनी पर लड्डू, आप मुझे किचन दे दो. वो तो वो अपनी वाइफ को नहीं बोलना चाहिए, जाड़ी बोलता, जाड़ी में नहीं कहवा ठीक है. और मैंने वो सदाई साहब से 50 पाउंड ले लिए. जाने के पहले मैंने वहां जो पुरानी बूंदी थी उसको गर्म किया, उसमें थोड़ा गुलाब जल डाला और उनको दिया. बोले बहुत अच्छा कर दो. आफ्टर यू लेफ्ट फिर मेरे को मालूम पड़ा गधा विट्ठल कामत, ऑर्डर तो 2000 का लिया, बनाएगा कौन. 8 बजे रेस्टोरेंट बंद होता. एक बगल में एक छोटा सा पब था, वहां गया जाके बैठा. तो एक छोटा सा कल्लू वहां आया, मैंने उसको मैंने तला मटल, अरे बाबा माया सारी काम करशील का. तब दाढ़ी काली थी, दाढ़ी थी वो देखा ये कोई अफलातून आदमी है. व्हाट इज इट, इज इट अ स्मैक? Smack is one kind of tobacco, chorus, something. Well, no, no, no. What is smack? You don't know smack? I said, no. You don't know smack? No. Then what is the work? Like, you have to work for the restaurant in the kitchen. How much? मुझे तब 2 pound 1 घंटे को देते थे, उसने 3 कहा. मैंने कहा ओके, ऑलराइट. फिर दैट इज माय फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. आई बॉट for 14 pence one glass of beer for him. That is my first investment abroad. Then he had that beer. Abhi dusra chalu. Sir, why don't you have another one? Actually, I need 4 people. No problem, man. You pay me 4 pounds an hour, I get it. Usne sath sath fut ke 3 aadmi leke aaye. I say, yes, yes, what is the work? I said, not today, tomorrow. Unke liye bhi investment kar diya. Then, next day, दूसरे दिन उनको लाया किचन से, पीछे से लाया किचन में काम किया. मुझे तो खाली बस 2000 लड्डू सिंह साहब को खुश करना था. मैंने हाथ जब वो बनाया बूंदी डाली और गरम गरम हाथ को तेल लगाया, और मेरा इंग्लिश भी बहुत मराठी इंग्लिश था. यू सी यू डू लाइक दिस एंड यू डू लाइक दिस, गुड ओके राउंड राउंड. उसने भी देखा. एंटरप्रेन्योर को कोई भाषा की जरूरत नहीं होती, ये भी याद रखिए. It's the delivery which is important, not the language. बनाया गोल और उसके सामने रखा. वो 7 फुट वाले ने बोला नो प्रॉब्लम मैन, और उसने हाथ डाल दिया अंदर और वो गरम गरम जैसे लगा, पूरा ऐसे हिलने लगा और मेरे को बोला व्हाट शिप यू हिट, आई एम गोइंग टू सू यू मैन. सू आदमी सुन के तो मैं खत्म हो गया. हम लोग जहां स्कूल में थे और व्यायामशाला जाते थे वहां कुछ भी लगा तो स्पिरिट लगाते. तो इमीडिएटली मैं पब में दौड़ा. मैंने कहा आई वांट स्पिरिट. लंदन में दारू को स्पिरिट बोलते हैं, मुझे पता नहीं था. उसने कहा दिस इज ऑल स्पिरिट मैन, 200 बॉटल बताया ऑल स्पिरिट. मैंने उससे बकार्डी गोल्ड जो स्पिरिट जैसे दिखती है 2 बॉटल लिया, लेके दौड़ के आया. तो तब तक उसने ऐसा किया, मैं कहा यू पुट दिस एंड डू फू. उस गधे ने सू किया बकाड़ी के साथ, मीठी बूंदी अंदर आ गई. दिस इज गुड मैन. फिर मैं बोला ओके, देखा चालू बनाता है, हो गया.
जैसे 2000 लड्डू 1800-1600 हो गए, मैं देखा अरे कोई भूमिति में कुकले भूमिति नहीं, पंचकोनी षटकोनी कोई ऑक्टागन मतलब ऐसा गौन ही गौन था। मैं बोले यार सरदार जी तो मारेगा यार, ये तो लड्डू तो गोल होना चाहिए। बेटा का मत आइडिया जो 180 खुद बैठा और उसको गोल किया, फिर देखा तो अरे बकाड़ी की बॉटल गोल, दोनों बकाड़ी एक एक लीटर बॉटल गोल, क्या हुआ देखा तो ये क्या करता था हर एक टाइम वो बकाड़ी लगाता था उसको और लड्डू बना दिया उसने। अभी क्या करे कुछ। दूसरे दिन सुबह सदा जी आया, वो लेके गया उसको बर्मिंगहम ले जाना था लड्डू, लेके गया ऊपर के गोल लड्डू देखा, मेरे को पैसा दिया, मैंने तो भंगड़ा किया। दिस लेडी वॉज वेरी एंग्री, हस्बैंड को बोला तुमको बोला था ये एंटरप्रेनर है, देखो सरदार जी को कैसा बनाया उल्लू और लोगों से काम करके लिया, अपने को काम को एक आदमी भी नहीं मिलता है। मैंने नहीं बताया उसको मैंने 4 बियर इन्वेस्ट किया था पहले। ओके नेक्स्ट डे गया, जैसे ही चंद्रवदन भाई खुश हो गए, उनका पैसा उन 5 पेनी पर लड्डू, मुझे 110 पाउंड बच गए। वर्ल्ड टूर पूरा, तब जिम लेकर का टूर, तब 48 पाउंड में आप बॉम्बे लंदन से स्काई ट्रेन में यूरोप अमेरिका जा सकते थे। इट वाज कॉल्ड अ स्काई ट्रेन। एंटरप्रेनर को जब वो गैप देखता है तो पैसा बना सकता है। सदाई साहब चले गए, मैं खुश हो गया। 4 दिन बाद बेल बजी और मेरी विकेट टूट गई सामने से सदाई साहब। बादशाह, मैं बोला मेरे को पंजाबी इतना नहीं आता था, मैं बोला मर गया अभी। मैं बोला आंटी 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 सु करो छो, जाओ मार खाओ जाओ, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई ये जो है प्रॉब्लम है, अभी एक भी लड्डू गोल नहीं है और जो था ऊपर का गोल था नीचे तो गोल ही था। तो तुझे बादशाह गया आगे, एक मार खा लेगा अभी क्या करूंगा। जैसे नजदीक है ऐसे गले मिला, यार क्या उसमें केसर डाला था, बहुत अच्छा। वो केसर किधर था मैं आलू में नहीं। फिर सदारी लोग दिल से बहुत है, अभी भी दे देंगे कुछ। 2 50-50 पाउंड का नोट मेरे इधर रख दिया उसने, बोला सबको मजा आया, सबको गांव की याद आ रही। गांव किधर में क्या किधर, मैं तो चुप बैठा। सरदार जी खुश हो गए, ये हो गए और ये भाई देख रहे मार नहीं रहा ऊपर से इसको पैसा दे रहा है, ऐसे क्या हुआ। यू विल बी सरप्राइज, आज लंदन में उस रेस्टोरेंट में बकाड़ी डाल के लड्डू बनाए जाते हैं। इट्स अ फॉर्मूला नाउ। और आप यकीन नहीं करोगे क्यों, मैं जैसे वापस आया मेरे फादर को कहा तो बोले बेटा अप्पम बनते उसमें टॉडी डालना ही पड़ता है। द्राक्षासव क्या है, इट्स अ पार्ट, इट्स नॉट दैट यू गेट ड्रंक, बट फर्मेंटेशन के लिए बहुत जरूरी था। जब एंटरप्रेनर ये चीज खोज के निकालता है, कैसे निकाल सकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं गो टू द रूट ऑफ इट। असल में आप लोड़ा साहब इतने बड़े हैं कि मेरे को पैसा बनाना होता तो मैं की खाली सीमेंट की गोनिया ले लूं तो मेरा जिंदगी का तो आराम हो जाएगा। इफ आई ओनली कलेक्ट देन एम्प्टी सैक्स। पहले क्या था कि वो उसकी गोनी जो बनती थी वो गोनी बनती थी जूट की। मेरे एक रेस्टोरेंट में मुझे प्रॉब्लम था, सीलिंग बनाना था, सीलिंग की कॉस्ट तब 80 रुपया स्क्वायर फीट थी। मैंने कुछ नहीं गए, एक अपने दोस्त को पकड़ा, खाली गोनी टाइट करके ऊपर ऐसे लगाई और बीच में लकड़ी की फ्रेम करी। लोग बोलते हैं मटेरियल कौन सा है, मैं बोला फॉरेन का है। अगेन इट्स एन एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज द जुगाड़ सिस्टम, जुगाड़ सिस्टम इज द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। एक बार पंजाब में वीडियोकॉन के मशीन बहुत खपने लगे तो बोले इतने कपड़े कौन धोता है, एक्चुअली वहां लस्सी बनाने के लिए वीडियो कॉल का मशीन। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन बॉस। और वो इसलिए है कि एक एक मिक्सी में एक एक लस्सी इतना बड़ा बनाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो उसने आइडिया सोचा। ये सब आपको मैं क्यों बता रहा हूं, तुम्हारा का सांगतोय, या सगळ्या आइडिया
are already there. These ideas are already floating. From today, start one thing, keep a diary, write down these ideas. Work over it, and that is why it is called as a SWOT analysis. Strength of the idea, weakness of idea, opportunity of idea, and a threat of idea. When you mix all that, and if you get more than 70 marks, go ahead. Tumko Bhagwan bhi nahi rok sakta success se. Lekin, success kaise karna ki उसके पीछे लगने के बाद और पीछे देखने का नहीं, उसी चीज को आगे ले जाना। अभी आपने ब्रांड बनाया, आपने नाम बढ़िया रखा, नाउ व्हाट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एवरेज जो चढ़ा वो भी दो थे, और कोई भी चीज करने के लिए आपको टीम बढ़िया बनाने पड़ती है। एंड यू सी दैट इफ यू क्रिएट अ गुड टीम, दैट मीन्स the chairman of the company and the doorman of the company should say, speak the same language and behave in the same manner. When the chairman of the company or the doorman of the company behaves exactly same, the chairman is not required, he is free to do other things. Aur ye jab baat hoti hai, because service industry mein sabse badi baat ye hoti hai, after service and service. जो गाड़ी बेचता है और किसी ने लिया नहीं है, दो सेल्समैन थे, अफ्रीका भेजा, एक का नाम स्मिथ था और एक का नाम मिट्टल कामा। जैसे अफ्रीका में जहाज लग गया, एक ने देखा नंगे पंगे लोग हैं, कंपनी को बोला आई एम कमिंग बैक, मिट्टल कामत बोला अभी भेजो 10 शिपलोड गंबूर से लेके 2 महीने के बच्चे सब भेजो। बोले क्यों? स्मिथ बोलता है लोग के पास कुछ नहीं है, इन्होंने कपड़े भी नहीं पहने, जूता क्या पहनेंगे? हमने कहा इन्होंने जूता पहना ही नहीं है, इनको ही पहनाने का स्कोप है, और जिसने पहना ही नहीं उसको आप सिर्फ धूप में चलाओ, उसको पत्थर पे चलाओ, सेल्समैनशिप की जरूरत नहीं है, इट्स एक्सपीरियंस। और यही चीज में याद गोष्टी मध्ये आपण मागे पड़ता। चॉकलेट नुसतं चांगलं असून चालत नाही, चॉकलेटचा रॅपर, चॉकलेटची पब्लिसिटी सगळ्यात महत्वाचं, कंटिन्युटी आणि शेवटी किंमत। एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्झॅक्टली सेम, व्हॉट यू डू अँड व्हॉट अ पीपल गेट, दे शुड ऑलवेज गेट मोर देन देअर एक्सपेक्टेशन। दिव्य भारती इज ट्राइंग टू डू दॅट, टू अफर्म दिस, लोकांना विश्वास बसावा, लोकांना वाटावं म्हणून त्यांनी वर्धापन दिनासाठी 2 दिग्गज आणले इथे। आणि काय केलं की तुमच्यातली उत्सुकता जागरूक केली। ब्रँड हा नेहमी दिसला पाहिजे, ब्रँड हा नेहमी तोंडावर आला पाहिजे, आणि ब्रँड हा मनामध्ये आणि हृदयात असला तरच तो विकत घेतला किंवा वाचला जातो। सो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स यू हॅव टू बी सीन अँड हर्ड ऑल द टाइम, त्याला म्हणतो आम्ही अभिषेक। अभिषेक आपणी अभिषेकचा अर्थ सतत डोक्यावर टुपक टुपक टुपक, देवाचा काय असतो अभिषेक काय डॉक्टर मॅडम, बरोबर आहे? अभिषेक, इफ यू आर सीन अँड हर्ड ऑल द टाइम ऍट द प्लेसेस इन बॉम्बे, यू आर सीन अँड हर्ड ऑल द टाइम इन इको थिंग, अँड आय डोंट वॉन्ट टू डू एनिथिंग अदर दॅन दॅट। नाव कमिंग बॅक, एक्सलन्स, डू व्हॉट यू डू अँड बी बेस्ट इन इट। Be number one in what you are doing. So there is no number two. There is direct number three. If there is no number two, when I came into business of a 5-star hotel, I said all number one are scared of me. That was enough statement. I don't know who are number one, but people who are scared of me are not number one. We will be number one. So in our own field, आज आप ये कहेंगे, यही जो लोग बैठे यहां, कि एंटरप्रेन्योरशिप आप कहते हैं, हमको स्कोप क्या है? एक्चुअली आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा, आपको ट्रिमेंडस स्कोप है। इसलिए कि जो पहला माउंट एवरेस्ट चढ़ा था वो तेनसिंग था, ठीक है? अभी आपको स्कोप है, आप आग बंद करके पहला कौन गया था? बोला मैं गया था। पैर पे कौन गया था? मैं गया था। एम्प्यूटेड फुट पे कौन गया था? मैं गया था। In entrepreneur, there are sections in it.
लोग ये गलती करते हैं कि किसी ने यार ये वीडियो बनाया इसके लिए मेरा कोई चांस नहीं है। सॉरी, वो वीडियो के बाद कम टाइम में कैसे होगा, एसएमएस की कीमत कैसे कम होगी, या एस लिखने से एम कैसे आएगा। सी दीज आर ऑल इनोवेशंस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ये जो आज का जो यहां आपको सेकेंड एनिवर्सरी पे बुलाया, आप में एक बीज रुझाने के लिए हम लोगों को यहां बुलाया है। एंटरप्रेन्योरशिप औरंगाबाद की आगे जाए। इफ इंडिया हैज टू बी नंबर वन, आई वॉन्ट इंडियन लेडी नॉट टेकर, आई वॉन्ट इंडियन लेडी टू बी अ गिवर। एंड अ इंडियन लेडी कैन डू दैट बिकॉज सच आपको बताऊं, 50 और 100 साल पहले सच मुझ एंटरप्रेन्योर इंडियन लेडी थी, आदमी नहीं था। शी वॉज बिहाइंड द कर्टन। माई फादर वॉज नॉट एंटरप्रेन्योर, माय मदर वॉज एंटरप्रेन्योर। से कुछ भी करो, मैं पीछे हूं, प्रॉब्लम होगा मैं हूं, बट दे वर नॉट एक्सपोज दैट। टुडे टाइम हैज कम एंड दिव्य भारती एंड माई सेल्फ एंड अभिषेक, वी विल बी विद यू टू हेल्प यू। इफ इंडिया हैज टू बी नंबर वन, आई वॉन्ट इंडियन लेडीज टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट किसी की जहांगीरी नहीं है, इट कैन बी विद एनीवन। आज आपने ये शांतचित से सुना, आपको कुछ सवाल पूछने तो मैंने इसलिए कम किया, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा, आई कम अगेन। अभिषेक का तो प्लेन है तो मैं कभी भी आ सकता हूं, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप की आइडिया है। तो यू प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर यू, फॉर माई स्टेट, फॉर माई कंट्री, इफ आई हैव टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर, आई कैन गिव माई लाइफ ऑल्सो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू हैव इट इन इट। आप लोग आज यहां आए, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। Journey to the thousand miles start with the first step. I am glad you have taken that first step. I am grateful to you. Yehi baat hai ki mere 40 minute khatam ho gaye, main 15 minute question and answer lunga aur fir Abhishek saab ko de dunga, but itna hi kehta hu, sab log doodh ubalte hain malai nikalte hain, sab log doodh ubalte hain malai nikalta hai, entrepreneur pani ubale to malai aa jati, yaad rakhiye।